जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सब जानते हैं तालिबान कुछ दिन पहले ये तो क्लेम किया था वो पॉन्सर वैली को 100% जीत लिया है, लेकिन सच्चाई ये था वो कुछ ही हिस्सा जीता था। अब भी पॉन्सर वैली में तालिबान और अहमद मसूद के जो लड़ाके हैं या फिर नॉर्दर्न अलायंस के जो फाइटर हैं उनके बीच अब भी लड़ाई जारी है। मीडिया रिपोर्ट की माने कल रात को ये दोनों गुटों के बीच भीषण लड़ाई हुई है और दोनों पक्षों को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन इस लड़ाई में कहा जा रहा है जो अमरुल्ला सलेह हैं उनके छोटे भाई का भी डेथ हो गया है और अमरुल्ला सलेह के घर को तालिबान वाले कब्जा भी कर लिए हैं। लेकिन दोस्तों अहमद मसूद और अमरुल्ला सलेह जो माना जाता था कि जब लड़ाई शुरू हुआ था वो पॉन्सर वैली को छोड़कर यूरोप या ताजिकिस्तान चले गए हैं, लेकिन ताजिकिस्तान में जो अफगानिस्तान का अम्बासी है वो ये साफ कर चुका है ये दोनों अब भी पॉन्सर वैली में है। और अहमद मसूद ने कल ये दावा किया था जो पॉन्सर वैली है उसका जो वैली एरिया है या फिर नीचे वाला एरिया है वो तो तालिबान कंट्रोल करता है, लेकिन जो माउंटेन एरिया है वो अब भी जो अहमद मसूद के लड़ाके हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर इन्हें कोई बाहर मतलब बड़े देश से सपोर्ट ना मिला तो ये ज़्यादा देर तक तालिबान का सामना नहीं कर पाएंगे। कुछ दिन या महीने के बाद पूरा पॉन्सर वैली तालिबान का कब्जे में जाना तय है। लेकिन बड़ा सवाल ये है 1996 से 2001 तक जब तालिबान काबुल पर था तब नॉर्दर्न अलायंस को भारत रसिया और ईरान समेत और कुछ देश काफ़ी सपोर्ट किए थे, लेकिन खासकर भारत रसिया और ईरान ये तीनों का बड़ा भूमिका था। लेकिन अब जब नॉर्दर्न अलायंस बन रहा है या फिर अहमद मसूद को अमरुल्ला सलेह को ज़रूरत है तो ये तीनों देश क्यों समर्थन नहीं कर रहे हैं पहले की तरह। हालांकि ईरान तो पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ कुछ बोला है, लेकिन अब तक रसिया और भारत ने पॉन्सर वैली में जो तालिबान अत्याचार कर रहा है या फिर जो मनमानी कर रहा है कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसके पीछे क्या वजह है दोस्तों मैं इस टॉपिक पर आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों अब अफगानिस्तान की पॉन्सर में नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करने का मतलब ये है मिलिट्री सपोर्ट करना, क्योंकि अब वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। अगर भारत उन्हें सपोर्ट करने जाएगा तो या तो अपना सेना भेजेगा या फिर ताजिकिस्तान में हमारे जो दो एयरबेस है वहाँ से पॉन्सर वैली तक मदद पहुँचाएगा। लेकिन दोस्तों ये करना उतना आसान नहीं है। एक तो हमें ये देखना होगा अगर हम नॉर्दर्न अलायंस या फिर पॉन्सर वैली में जो लड़ाके हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं तो एक देश के तौर पर हमें क्या फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ आप अफगानिस्तान में अब तालिबान को देख रहे हो कि तालिबान वाले अचानक आ गए या फिर अमेरिका को पीछे कर सत्ता में बैठ गए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। पर्दे के पीछे बहुत सारे देश है जो तालिबान को कंट्रोल करते हैं या फिर जैसे मैंने आपको कहा ये सारे चीज़ें स्क्रिप्टेड है। इसलिए भारत अगर अब डायरेक्ट पॉन्सर वैली में मिलिट्री सपोर्ट करता है तो हम सिर्फ जो तालिबान है उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, उसके पीछे जो सपोर्ट करते हैं उन जो देश हम उनके खिलाफ भी जाएंगे और वो सब देश अब की टाइम में वो हमारा मतलब हमारा देश का सो कॉल्ड मित्र देश भी है। इसलिए भारत को जो भी करना है सोच समझ कर करना है। मैं अब शुरू अमेरिका से करता हूँ, फिर रसिया जाऊँगा और आखिर में भारत के ऊपर आऊँगा। तब तक दोस्तों आपके मन में जितने भी डाउट होंगे वो सारे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए अगर हम अमेरिका की बात करें तो आपको ऊपर ऊपर से क्या दिख रहा है, अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में काफ़ी कोशिश की तालिबान को हराने के लिए, ट्रिलियन डॉलर खर्चा कर दिया इस चक्कर में, जब वापस आया तो 80 बिलियन के करीब अपना हथियारों को छोड़ दिया। इतना ही नहीं 20 साल में हजारों के करीब तो जो अमेरिकन सैनिक थे उनके जान गई, नाटो देशों की अगर नंबर ऐड करें तो वो और ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में अमेरिका का क्या रोल बनता है, तो वो आंख बंद कर अहमद मसूद को सपोर्ट करना चाहिए या फिर नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करना चाहिए। और 20 साल तक यही लोग तो गवर्नमेंट में थे और अमेरिका तो उन्हें सपोर्ट कर रहा था, तो अब उन्हें और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये लोग तालिबान के खिलाफ और मजबूत हो पाए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा अमेरिका कह रहा है कि जो एक मीडिया रिपोर्ट आया था पाकिस्तान के आर्मी जाकर पॉन्सर में अटैक किया था या फिर पाकिस्तान से आतंकवादी जाकर जो तालिबान है उन्हें समर्थन किए थे, इसी वजह से ये मांग उठ रही थी कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाया जाए। लेकिन अमेरिका से क्या रिपोर्ट आया, नहीं ऐसा कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी जाकर तालिबान को समर्थन किया है या फिर पाकिस्तान के जो आतंकवादी है जैसे मोहम्मद या फिर लश्कर तैयबा वो जाकर तालिबान को समर्थन किए हैं। इसके साथ साथ जो BBC है वो क्या क्लेम करता है, वो क्लेम करता है नहीं पाकिस्तान तो अपना ड्रोन ही इस्तेमाल नहीं किया है पॉन्सर पर अटैक करने के लिए। इसके साथ साथ इसी बीच में
जो लोन आईएमएफ से पाकिस्तान को मिलना था और काफी टाइम से अटका हुआ था 2.5 बिलियन डॉलर का, वो क्लियर हो जाता है। यूनाइटेड नेशन जिसका काम है तालिबान को खिलाफ कोई कड़ा बयान दे या फिर उनके खिलाफ सैंक्शन लगाए कि वो इतना मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कश्मीर पर तो बोल देता है, जो हमारे देश में किसान आंदोलन के ऊपर तो बोल देता है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान क्या कर रहा है अभी तक उन्हें दिखाई नहीं देता है। खुद यूनाइटेड नेशन के बड़े बड़े अधिकारी जाकर तालिबान के साथ मीटिंग कर रहे हैं, अमेरिका के CIA चीफ जाकर मुलावरा दर के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इससे आप समझ नहीं पा रहे हो पर्दे के पीछे कौन है और तालिबान सिर्फ एक मुखौटा है। अब मैं आता हूं रशिया की तरफ। देखिए कायदे में देखा जाए तो रशिया और तालिबान के बीच 36 का आंकड़ा है, क्योंकि वही तालिबान या फिर मुजाहिदीन थे जो 1990 में सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से वापस भेजने के लिए मजबूर कर दिया था, और अमेरिका से पहले सोवियत यूनियन को यही मुजाहिदीन अमेरिका के साथ मिलकर रशिया को हराए थे। लेकिन अब रशिया क्यों तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, जबकि 1996 से 2001 तक रशिया भारत और ईरान के साथ मिलकर नॉर्दर्न अलायंस को काफ़ी सपोर्ट किया था, लेकिन अब रशिया को लग रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करके मुझे ज़्यादा कोई फायदा नहीं होगा, मैं तालिबान के साथ डायरेक्ट डील करता हूँ। और जब अमेरिका के खिलाफ तालिबान वाले मतलब खड़े थे, तब रशिया भी तालिबान को पर्दे के पीछे काफ़ी मदद भी किया था। रशिया को देखिए दो तीन मेन टेंशन है तालिबान को लेकर, और बीच में रशिया नॉर्दर्न अलायंस का मुद्दा भी उठाया था, लेकिन वो सिर्फ नेगोशिएशन मतलब अपना जो नेगोशिएशन तालिबान के साथ वो कर रहे थे उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, देखो तुम अगर मेरे बात को ना मानो तो मैं नॉर्दर्न अलायंस को फिर से सपोर्ट करूंगा और तुम्हारा बैंड बजाना फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तालिबान वालों ने ये मतलब रशिया को कहा होगा कि चलो ठीक है तुम्हारा जो भी मांग है कि जितने भी स्तान कंट्री हैं वहां पर तालिबान कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, या फिर रशिया के अंदर कुछ एक्सट्रीमिज्म नहीं आएगा, या फिर तालिबान जो जो माइनिंग एरिया को कंट्रोल करता है उसमें से कुछ रशिया को मिल जाएगा, ऐसे मांग जब तालिबान वाले मान गए होंगे तो रशिया को तालिबान के अगेंस्ट में जाना कोई ज़्यादा जरूरी समझा नहीं होगा वो। अब मैं आखिर में भारत के ऊपर आता हूँ, और अब आप समझ जाओगे भारत क्यों अब तक पॉन्सिर वैली में जो रेजिस्टेंस फोर्स है या फिर नॉर्दर्न अलायंस की फौज है उन्हें खुलकर समर्थन नहीं कर रहा है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे अफगानिस्तान में कैसे पश्चिमी देश या फिर रसिया तालिबान के साथ पर्दे के पीछे या फिर पर्दे के सामने उनका अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे में भारत अगर खुलकर तालिबान के खिलाफ या फिर पॉन्सिर वैली के समर्थन में जाता है तो ना सिर्फ तालिबान बल्कि ये सारे देशों की इंटरेस्ट के खिलाफ भी जाएगा, या फिर उनका जो प्लान है उस पर भारत पानी फेरेगा, तब ये सारे देश भी भारत के खिलाफ अफगानिस्तान को लेकर खिलाफ होंगे। और दोस्तों इतने दिनों से हमारे मीडिया में जो रिपोर्टिंग हुआ है इस वजह से कई सारे लोग इमोशनल फील करते हैं क्यों हम मोहम्मद मसूद का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। तालिबान या फिर इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ऐसा नहीं है कि तालिबान वाले बुरे हैं ये अच्छे हैं, फर्क खराब और ज़्यादा खराब और कम खराब के बीच है। क्योंकि 1960-70 में जहां 7-8 लाख हिंदू और सिख अफगानिस्तान में थे, आज उनके नंबर शायद 1-2 से ज़्यादा नहीं होगा, और इसके लिए तालिबान वाले जितने जरूरी मतलब दोषी है और ये लोग भी कम गुनहगार नहीं है। अब मैं आता हूँ आपको कुछ मैप दिखाकर समझाता हूँ। मान लेते हैं कि ये सारे देशों के खिलाफ जाकर भारत तालिबान को खिलाफ जाकर पॉन्सिर में नॉर्दर्न अलायंस की ग्रुप को सपोर्ट करता है तो हमें क्या फायदा होगा। देखिए पहले नॉर्दर्न अलायंस इतना बड़ा एरिया में था और इतने बड़े एरिया पर उनका इन्फ्लुएंस था, एक बड़ा एरिया था, लेकिन अब अगर देखें सिर्फ नॉर्दर्न अलायंस इतने बड़े एरिया पर सिमट के रह गया है, वो शायद अफगानिस्तान का 1% हिस्सा भी नहीं होगा। अगर हम जूम कर दे तो इतना बड़ा एरिया बनता है। अब तालिबान शायद मे भी इतने बड़े एरिया को अब तक कब्जा कर चुका है और बाकी इतने बड़े एरिया के लिए अभी भी फाइट चल रहा है। लेकिन आप अगर देखो पहले कितना था, इतना बड़ा एरिया था, अब सारे जो लैंडलॉर्ड थे वो तालिबान के साथ अपना संधि कर चुके हैं, बिना लड़ाई करके वो तालिबान के साथ मिल चुके हैं। अब अगर हम पॉन्सिर वैली को सपोर्ट करेंगे हमें बहुत ज़्यादा अपना आर्मी का पावर डालना होगा, पैसा डालना होगा, तब जाकर कुछ बड़े एरिया पर कब्जा हो पाएगा। अगर हो भी गया तो हमें एक देश के तौर पर क्या फ़ायदा होगा, फायदा तो पॉन्सिर वालों को हो जाएगा लेकिन हमें क्या फ़ायदा होगा। हम जो पहले सपोर्ट कर रहे थे हमारा कुछ इंटरेस्ट था, या फिर 20 साल से जो गवर्नमेंट आया उनको अगर कुछ सपोर्ट किए तो हमारे भी कुछ इंटरेस्ट था। साफ तौर पर हमारा इंटरेस्ट था पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए,
किस तरह का दवा बढ़ाया जाए मैं उस चीज का खुलासा नहीं करूंगा। अगर आप समझदार हो तो आप समझ जाओगे, सारे बातें खुलकर हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अब अगर हम पॉन्सिल वैली को मिलिट्री तौर पर खुले तौर पर सपोर्ट करते हैं तो हमें हमारा ताजिकिस्तान एयरबेस को यूज करना होगा। तो क्या हम ताजिकिस्तान के दो दो एयरबेस क्या पॉन्सिल वैली के सब को बालों को सपोर्ट करने के लिए लिए थे, या फिर हम उसे पाकिस्तान के लिए चीन के लिए लिए थे? वो हमारा ट्रम्प कार्ड है, तो अब हमें उसे क्यों यूज करें? इसके साथ साथ अगर हम तालिबान के खिलाफ 100% ऑफसे इग्नेस्ट हो जाएंगे तो उनको फ्री हैंड मिल जाएगा, वो पाकिस्तान के सपोर्ट करे या फिर भारत के खिलाफ जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब अगर हम पॉन्सिल वैली को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे, मे भी जा सकते हैं, लेकिन तब अगर ये जाते हैं तो हमें उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का एक राइट मिल जाएगा। लेकिन अब हमें तालिबान को ना सपोर्ट करें, लेकिन हमें जैसे हमारा गवर्नमेंट अब इंतजार करके वॉच कर रहा है कि तालिबान का रुख आगे क्या होगा, हमें वो चीज़ करना चाहिए और देखना होगा तालिबान के बीच कौन सा ग्रुप सॉफ्ट है या फिर उनके बीच क्या डिवाइड है। हमें वो चीज़ को देखकर हमारा फायदे के हिसाब से काम करना है। मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था, उनको सत्ता को लेकर तालिबान के बीच भी लड़ाई है और वो भी सामने आ गया है। मुल्ला बरादर जो इतने सालों से अमेरिका या फिर पश्चिमी देशों के साथ नेगोशिएशन कर रहा था, ISI या फिर पाकिस्तान के कहने पर उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट की पोस्ट तो आप छोड़ दीजिए, उसको वाइस प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, वो भी और एक बंदे के साथ, उसका पावर बिल्कुल जीरो है, लेकिन ग्राउंड में तो उसका पकड़ है। तो वो ऐसे लोग तालिबान की गवर्नमेंट में और भी बहुत सारे होंगे, ये तो ऊपर लेवल के होंगे, मीडियम लेवल पे या फिर बिल्कुल नीचे लेवल पे और भी लोग होंगे जिनको पावर शेयरिंग में उतना पावर नहीं मिला होगा। तो ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करके जो चीज़ हम पहले कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, वो चीज़ को हम अब भी कर सकते हैं, या फिर और एक दो साल के बाद मेन जो उनके गवर्नमेंट में हैं उनको उनके साथ देकर हम वो चीज़ कर सकते हैं। तो हमें इंतज़ार करना होगा। अगर मैं आखिर में ये सारे पॉइंट को मिलाकर दो तीन लाइन में कहना चाहूँगा वो ये होगा, देश के तौर पर हमें ज़्यादा फायदा है पॉन्सिल वैली में जो कुछ हो रहा है चुपचाप बैठ कर देखिए, या फिर उसके सपोर्ट करने के लिए कोई एक बड़े देश को अपने साथ ले, या फिर रसिया हो या फिर पश्चिमी देश हो। पश्चिमी देशों का आना चांस काफ़ी कम लग रहा है क्योंकि उन लोगों का स्क्रिप्ट अफगानिस्तान को लेकर जो है उस हिसाब से नॉर्दर्न अलायंस की कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होना चाहिए। बचा रूस, भारत और रशिया के बीच तो अभी लास्ट दो तीन दिन से काफ़ी जरूरी बातचीत हो रही है, आगे देखना होगा ये सारे देश क्या स्टेप लेते हैं। अब उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे भारत सरकार अब तो क्यों पॉन्सिल वैली या फिर नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसके पीछे हमारे देश को क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। मैं आपको सारे चीज़ डिटेल्स में बता दिया, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।